हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी शौकत। हियर स्टडी बिकम्स ईजियर। तो जिवें आपां नूं पता जी, पंजाब पुलिस डिपार्टमेंट दे विच 634 पोस्टां नवीं आउट कीतियां गईआं ने। किहड़े किहड़े डिपार्टमेंट दे विच पोस्टां ने ते पोस्टां दे रिगार्डिंग डिटेल इनफॉर्मेशन आपां तुहानूं इस वीडियो दे विच देण वाले आ। सो वीडियो नूं एंड तक बिना स्किप कीते जरूर देखियो, ताकि तुहाडे तक हर एक इनफॉर्मेशन। शुरू करन तो पहलां प्लीज़ अपने चैनल नूं सबसक्राइब कर लो, बैल आइकन नूं जरूर प्रेस कर लेना, टैलीग्राम चैनल नूं जरूर ज्वाइन कर लो, ताकि तुहाडे तक हर एक इनफॉर्मेशन टाइम सिर ते सब तों पहलां पहुँच सके। तो शुरू करते जी अपनी वीडियो। पंजाब पुलिस रिक्रूटमेंट सब तो पहला डिपार्टमेंट है जी अपने को, सिविलियन स्पोर्ट स्टाफ लीगल। ये अगर आप गल कर लिए कि डेट ऑफ रिटन एग्जामीनेशन कदों हैगा, सितंबर थोड़े सारे पुलिस डिपार्टमेंट के जिन्हें पोस्ट आउट हुई हैं जी, उन्होंने सारे रिटन एग्जाम जो है सितंबर के होंगे, सितंबर 2021, जिद कंप्यूटर बेस्ड टैसट होएगा। वन पेपर ऑफ 2 आवर्स, 2 घंटे का एक पेपर लिया जाएगा। 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, तो 25% की नैगेटिव मार्किंग भी रहेगी। ये अगर आप एज की गल कर लिए, 18 to 37 साल थोड़ी ये एज रहेगी, जो 1 जनवरी 2021 तक देखी जाएगी। इन्हें भी एज रिलैक्सेशन अलग अलग कैटेगरीज़ नू अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट रूल्स एंड इंस्ट्रक्शन दी जाएँ जरूर दी जाएगी। जो थोड़ा पेपर होगा वो बेस से ही थोड़ी ये मैरिट बनेगी। हाँ जी, नंबर ऑफ पोस्ट की अगर आप गल कर लिए, इस डिपार्टमेंट के अंदर लीगल ऑफिसर दी 11 पोस्टा, असिस्टेंट लीगल ऑफिसर दी 120, तो टोटल जिहड़ियां ने 131 पोस्टां दे विच आउट होईयां ने। स्केल ऑफ पे कितना रहेगा जी, लीगल ऑफिसर लिए 29,200 ते असिस्टेंट लीगल ऑफिसर लिए 25,500 रुपए थोड़ी बेसिक पे स्केल रहेगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर आप गल कर लीजिए, लीगल ऑफिसर लिए थोड़ी लॉ दे विच थोड़ी बैचलर डिग्री होनी चाहिए विद 50% मार्क्स, तो मिनिमम एक्सपीरियंस थोड़े को 7 साल का होना चाहिए एज अ लीगल प्रैक्टिशनर और प्रैक्टिसिंग लॉयर इन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया और हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। किसी असिस्टेंट लीगल ऑफिसर की अगर आप गल कर लिए, तो उसके कोल भी 50% जिहड़ा है जी लॉ दे विच ग्रेजुएशन होवे विद 50% मार्क्स, ते नाल ही मिनिमम एक्सपीरियंस ऑफ 2 ईयर्स एज अ लीगल प्रैक्टिशनर और प्रैक्टिसिंग लॉयर इन सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के। उस तो बाद अगर आप गल कर लिए जी सिलेबस की, तो सिलेबस के सब तो पहला थोड़ा आप दस दी जी, टोटल 100 नंबर का पेपर होएगा, 120 मिनट दिए जाएंगे, 100 ही MCQs आएंगे, जिद पहला सब्जेक्ट थोड़ा रहेगा कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ ऑफ इंडिया, क्रिमिनल एंड सिविल लॉज, लैंगुएज इंग्लिश पंजाबी, जनरल अवेयरनेस, क्वानटिटिव एप्टीट्यूड, मैंटल एंड लॉजिकल एबिलिटी। हाँ जी, नैक्सट डिपार्टमेंट अपने को आ जाता है जी सिविलियन स्पोर्ट स्टाफ फोरेंसिक, जिहड़ा भी एग्जाम जो होगा सितंबर दे विच होएगा जी, 2 घंटे का पेपर होएगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होएगा, 100 नंबर के टोटल क्वेश्चन आएंगे जी, 100 ही क्वेश्चन आएंगे, तो 25% जी ये नैगेटिव मार्किंग भी रहेगी। ए जी उसी तरह रहेगी जी, सारी चीज़ें इस उसी तरह ने। तो ये अगर नंबर ऑफ पोस्ट की गल कर लिए, तो फोरेंसिक्स ऑफिसर दी पोस्ट रहेंगे जी 24, तो असिस्टेंट फोरेंसिक ऑफिसर दी पोस्ट रहेंगे 150, तो टोटल पोस्ट आनी जी 174। फोरेंसिक ऑफिसर की पे रहेगी जी 29,200, तो असिस्टेंट फोरेंसिक ऑफिसर की पे रहेगी 25,500। अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की गल कर लिए, तो फोरेंसिक साइंस थोड़े पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए है, तो ना ही उन्होंने मिनिमम 7 ईयर ऑफ रेलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस भी लैबोरेटरी के जी इन्होंने मैनशन किया, थोड़े को काम कर 7 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। नाल असिस्टेंट फोरेंसिक ऑफिसर की गल कर लिए जी, सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उही रहेगा, बस एक्सपीरियंस जो उपर 7 साल का मंगया गया, इस 2 साल का मंगया गया। अगर आप सिलेबस की गल कर लिए जी, इस तो सिलेबस इस रहेगा जी 100 टोटल मार्क्स का पूरा पेपर होएगा जी, 100 ही क्वेश्चन आएंगे, 120 मिनट मिलेंगे, फंडामेंटल्स ऑफ फोरेंसिक साइंस, क्राइम सीन मैनेजमेंट, फिजिकल एविडेंस, फोरेंसिक फिजिक्स, फोरेंसिक बैलिस्टिक्स, फोरेंसिक सोशियोलॉजी एंड फोरेंसिक बायोलॉजी, DNA फिंगरप्रिंटिंग, फोरेंसिक केमिस्ट्री, बायोमेट्रिक्स एंड इट्स एप्लीकेशन इन इन्वेस्टिगेशन, एडवांसेस इन फोरेंसिक साइंस, फील्ड लेवल फोरेंसिक टूल्स, फोरेंसिक एंथ्रोपोलॉजी, पोस्टमार्टम, इंट्रोडक्शन टू फोरेंसिक। उस तो बाद इधर सिलेबस है जी बॉडी ऑफेंसिस, ट्रैफिक एक्सीडेंट्स, सेक्सुअल ऑफेंसिस, टैक्सिकोलॉजी, फोरेंसिक स्टैटिस्टिक्स, साइकोलॉजिकल टेक्निक्स एंड फोरेंसिक साइंस, कंप्यूटर फोरेंसिक, लैंग्वेज इंग्लिश पंजाबी, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटिव एप्टीट्यूड एंड मेंटल एंड लॉजिकल एबिलिटी। जी नैक्सट अपने को आ जाता है जी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसका एग्जाम भी सितंबर के होएगा, बाकी सारी कंडीशन इसमें सेम रहनगिया। अगर आप इस नंबर ऑफ पोस्ट की गल कर लिए जी, तो इस आएंगे कंप्यूटर एंड डिजिटल फोरेंसिक ऑफिसर की 13 पोस्ट हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑफिसर दी 21 पोस्ट, IT असिस्टेंट सॉफ्टवेयर के 214 पोस्ट हैं, तो टोटल ये 248 पोस्टा ने जी। कंप्यूटर और डिजिटल फोरेंसिक ऑफिसर की पे रहेगी 29,200, IT ऑफिसर की 25,500, IT असिस्टेंट की रहेगी 19,900। एलिजिबिलिटी क्राइटीरिया की आप गल कर लिए, कंप्यूटर साइंस में IT के इलेक्ट्रॉनिक्स या कम्युनिकेशन थोड़े पास ग्रेजुएशन की भी होनी चाहिए है, तो मिनिमम 12 ईयर्स ऑफ रेलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस भी थोड़ा ये होना चाहिए। IT ऑफिसर लिए एलिजिबिलिटी क्राइटीरिया की रहेगा, सेम ही रहेगा जी, इस मिनिमम 7 ईयर रेलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस मंगया गया। IT असिस्टेंट के सेम क्वालिफिकेशन रहेगी जी, बस एक्सपीरियंस जो 2 साल का मंगया गया। सिलेबस की अगर आप गल कर लिए जी, ये तो इस सिलेबस रहेगा जी डिजिटल फोरेंसिक टूल्स, डिजिटल फोरेंसिक्स, कंप्यूटर फोरेंसिक टूल्स, विंडो सिस्टम एंड आर्टिफैक्ट्स,
मोबाइल फोन फ्रेंसिक, इंट्रोडक्शन टू नेटवर्क सिक्योरिटी एंड एसोसिएटेड टेक्निक्स, लैंग्वेज इंग्लिश पंजाबी, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, मेंटल एंड लॉजिकल एबिलिटी, साइबर स्पेस, इंट्रोडक्शन टू साइबर क्राइम, कंप्यूटर एंड मोबाइल हार्डवेयर एक्विजिशन टूल्स, सॉफ्टवेयर एक्विजिशन टूल्स, RDBMS, SQL, लैंग्वेज इंग्लिश पंजाबी, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, मेंटल एंड लॉजिकल एबिलिटी। नेक्स्ट अपने को आ जाती है जिस फाइनेंस कंडीशन इस सेम रहेंगे जी, एग्जाम इस भी सितंबर के होएगा। नंबर ऑफ पोस्ट अगर आप गल कर लिए तो फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन सपोर्ट ऑफिसर की पोस्ट है जी 11, तो फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन सपोर्ट असिस्टेंट की 70 पोस्टा रहेंगे, टोटल 81 पोस्टा ये आउट हुई हैं। फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर सपोर्ट ऑफिसर की 29,200 पे स्केल रहेगी, तो फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन सपोर्ट असिस्टेंट की 25,500। क्वालिफिकेशन की अगर आप गल कर लिए तो फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन सपोर्ट ऑफिसर की ग्रेजुएशन वो होनी चाहिए इन कॉमर्स या फिर और फाइनेंस फ्रॉम अ सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट, तो 7 साल का उसका एक्सपीरियंस होना चाहिए जी इन अकाउंटिंग और बैंकिंग और फाइनेंशियल फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन। फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन सपोर्ट असिस्टेंट की भी सेम क्वालिफिकेशन है, बस एक्सपीरियंस जो है जी 7 साल तो जगह 2 साल की हो जाएगा। सिलेबस तुम देख सकते हो जी, ये बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ फाइनेंस एंड अकाउंटिंग, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज एंड फाइनेंशियल फ्रॉड्स, लॉज एंड रेगुलेशंस रिलेटेड टू NBFCs, बेसिक नॉलेज ऑफ इंडियन लॉज, कॉमन चैलेंजेस टू फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशंस, टाइप्स ऑफ इनविजिबिलिटी ऑफ एविडेंस एंड कोर्ट प्रोसेस, इन्वेस्टिगेशन टूल्स एंड टेक्निक्स, लैंग्वेज इंग्लिश पंजाबी, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, मेंटल एंड लॉजिकल एबिलिटी। सारी ही पोस्टों का सिलेबस और डिटेल इन्फॉर्मेशन तुम अपने टैलीग्राम चैनल तो भी लै सकते हो, टैलीग्राम चैनल का लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स के मिल जाएगा। सो पंजाब पुलिस के रिक्रूटमेंट जी है जी वो आई है 634 टोटल पोस्टा की, जिद तुम दस अलग अलग डिपार्टमेंट्स के अलग अलग डोमेन के पोस्ट आउट हुई हैं, जिद फोरेंसिक साइंस के डिजिटल फोरेंसिक, IT, फाइनेंस इस रिलेटेड जी टोटल पोस्टा आउट हुई हैं। 634 टोटल पोस्टा ने, डिटेल आप पूरी वीडियो के दस ही दी है। जे भी एलीजिबल एंड इंट्रस्टिड कैंडिडेट्स हैं जी, जरूर इन्होंने पोस्टों के अपलाई करो, एग्जाम सितंबर के होएगा। ਇਹ ਸੀਗੀ ਜੀ ਆਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ। ਆਈ ਹੋਪ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੀ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਪਲੀਜ਼ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ।